हैं कि आप खैरियत होंगे और मैं दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ और मैं हूं मोहम्मद नवाज। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है प्रगति मैदान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली G20 समिट कंस्ट्रक्शन स्टेटस फरवरी 2023। तो भाई साहब देखते हैं कंस्ट्रक्शन जारी है इस मैदान की, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन कर देंगे? 3, 2, 1 स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? क्या बात है, स्वागत है एक और ब्लॉग में। मैं हूँ फिलहाल प्रगति मैदान नई दिल्ली में और मैं यहाँ पर आया था वर्ल्ड बुक फेयर को विजिट करने। बहुत बड़ा है भाई, अभी जस्ट विजिट करके बाहर ही आया हूँ। अगर आप मेरा बुक फेयर का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में आपको प्रगति मैदान को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रगति मैदान एक इंटरनेशनल कम एग्जीबिशन सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। काफी सारी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स भी है और ये जो पार्ट है प्रगति मैदान का, ये एक एग्जीबिशन हॉल है। एग्जीबिशन हॉल जो 4 बन के तैयार हो चुके हैं एंड दिस इज द कॉमन वॉकवे विच कनेक्ट्स द हॉल। तो पहले आपको ये वाले हॉल दिखाता हूँ कैसे है ये। सो लेट्स गो अंदर। फिलहाल तो बुक फेयर चल रहा है मेन हॉल्स में, अभी ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। लेट्स सी हाउ दिस हॉल्स आर। सो दिस इज द कंप्लीट प्रगति मैदान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या बात है, मैं हूँ फिलहाल सेकंड फ्लोर पे एग्जिस्टिंग हॉल्स के और यहाँ से आपको पूरा प्रगति मैदान दिख सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको प्रगति मैदान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ तो पूरा प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से रीडेवलप किया जा रहा है, जिसका जो मेन पार्ट था वो है आपके सामने द कन्वेंशन हॉल एंड द बिग एग्जीबिशन हॉल साथ में जो है। और पिछले साल इसका एक पार्ट जो था वो ओपन हुआ था पब्लिक के लिए, विच वॉज द प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांसिट कॉरिडोर। उस प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारे टनल्स और अंडर पासेस थे जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसका हाईलाइट था एक अंडरग्राउंड टनल जो पूरा प्रगति मैदान के नीचे से जाता है। तो उसे पिछले साल श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था। और ये आपके सामने प्रगति मैदान का जो मेन डेवलपमेंट पार्ट है उसका वीडियो सामने आप देख सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर, दिस इज द कन्वेंशन सेंटर जहाँ पे G20 का समिट होगा। मेन हेड्स ऑफ स्टेट का जो फंक्शन होगा वो यहीं पर ही होगा। ये है एक एग्जीबिशन हॉल, इसकी कैपेसिटी अराउंड 3000 पीपल की। ये भी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे एक और एग्जीबिशन हॉल बन रहा है दिस वन, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो प्रगति मैदान के फेज वन में कुल 7 एग्जीबिशन हॉल्स बनने हैं और जो मेन कन्वेंशन सेंटर है वो बनना है। तो 7 में से ये 4 एग्जीबिशन हॉल्स तो अभी ओपन हो चुके हैं यहाँ पे, एग्जीबिशन हॉल नंबर 2, 3, 4 एंड 5 जहाँ पे अभी बुक फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है। उसके अलावा ये 2 एग्जीबिशन हॉल है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है सामने, और वो है जो कन्वेंशन सेंटर है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से डिजाइन वाइज, आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। कोशिश करूँगा वहाँ से भी जाके अगर आपको वीडियो दिखा सकूँ तो निकलते टाइप। और यहाँ पे कुछ और एग्जीबिशन हॉल्स भी बनने हैं बट वो फेज 2 के पार्ट है, अभी फेज 1 पे काम चल रहा है जिसको प्रायोरिटी पे मार्च एंड तक कंप्लीट करना है। बिकॉज G20 की जो मीटिंग्स है, जो मेन फंक्शन है वो तो सितंबर में है हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग, बट अदर देन दैट काफ़ी सारे जो डिग्नेटरीज की मीटिंग्स होती है वो स्टार्ट हो जाएंगी शायद मई या जून से, कुड बी अगस्त एज वेल। और वैसे तो G20 की काफ़ी मीटिंग्स पूरे इंडिया में होंगी बट जो मेन मीटिंग्स हैं वो सारी दिल्ली में होनी है। और आप दूर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट दिख जाएगा, उसके पीछे आपको MCD के जो हेडक्वार्टर्स है वो दिख जाएंगे, सिविक बिल्डिंग आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये है प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स, ये एक एम्पी थिएटर है, यहाँ पे कुछ कल्चरल शोज होते हैं कुछ होते हैं तो उनको यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऐसे ही और एम्पी थिएटर है आगे की तरफ भी है, दो एम्पी थिएटर आगे की तरफ भी है। तो चलिए आपको नीचे लेके चलता हूँ, कोशिश करता हूँ वहां से भी अगर वीडियो दिखा सकूँ तो, अगर एंट्री मिलती है तो। और अभी चलते हैं जो एग्जिस्टिंग एग्जीबिशन हॉल्स हैं उनके अंदर। ये मैं इसके सेकंड फ्लोर पर आया हूँ, बहुत बड़ा बुक फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है बट सेकंड फ्लोर में देख सकते हैं कितना बड़ा है ये हॉल। यहाँ भी फ्यूचर में कोई एग्जीबिशन या कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंसेस या फेयर्स ऑर्गेनाइज हो सकते हैं तो वो यहीं पर ही होंगे। तो है मस्त, जो नया डेवलपमेंट हुआ है प्रगति मैदान का काफ़ी ग्रैंड है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ है और धीरे धीरे इस साल में हम देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन होंगी। द मेन कन्वेंशन सेंटर, द अदर 2 एग्जीबिशन हॉल्स,
और उसके बाद फेज टू का डेवलपमेंट भी स्टार्ट होगा, जिसमें इनफैक्ट एक 5-स्टार होटल का भी प्रोविजन है कि वो भी कंस्ट्रक्ट होगा। फिलहाल वो होल्ड पे है, कोविड के बाद थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में डाउन आया था तो उस वजह से उसको थोड़ा बंद कर रखा है। बट फेज टू की डेवलपमेंट जैसे स्टार्ट होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज वन, तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी काफी सब चीजें होंगी। चलिए नीचे चलते हैं। फिलहाल तकरीबन हुआ ही खड़ा मुकम्मल, ये पत्थर वगैरह लग गया है। तो ये है वो न्यू एग्जीबिशन हॉल जिनमें बुक फेयर हो रहा है और जो पिछले साल ओपन हुए थे। डीजर हॉल नंबर 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे एक फूड कोर्ट लगा हुआ है बुक फेयर में जो लोग आए उनके लिए। तो चलिए मेन कन्वेंशन सेंटर की ओर चलते हैं, लेट्स सी वहाँ के आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखा पाता हूँ कि नहीं। सो ये है एक न्यू एग्जीबिशन हॉल जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। पहले मैंने जो आपको अपडेट दी थी वहाँ ऊपर बालकनी से दी थी, एंड दिस इज द न्यू एग्जीबिशन हॉल। अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बाकी है, सिविल कंस्ट्रक्शन भी अभी पूरा नहीं हुआ है। सो आई थिंक सबसे एंड में ये कम्प्लीट होगा, बिकॉज इस साइड पे जो दूसरा एग्जीबिशन हॉल है और जो मेन कन्वेंशन सेंटर है वो तो सिविल कंस्ट्रक्शन की हो चुकी है। अब आई थिंक उनके इंटीरियर्स का काम चल रहा होगा, जैसा आप देख सकते हैं अभी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। चलिए और क्लोजअप जाके दिखाता हूँ आपको कैसा है वहाँ पे स्टेटस। तो ये मैं आ गया हूँ एग्जीबिशन हॉल 14 के सामने जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंदर जाना शायद अलाउड नहीं है क्योंकि अंदर इंटीरियर का काम चल रहा है, तो विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन आप अंदर नहीं जा सकते। बट दिस इज द एग्जीबिशन हॉल और ये होगा उसका एंट्रेंस। यहाँ पे अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है सारी इंटीरियर का, मार्बल क्लैडिंग, फ्लोर वगैरह, और वो पहले जो हॉल दिखाया था उसकी कंस्ट्रक्शन अभी चली रही है। एज यू कैन सी दिस इज द एग्जीबिशन हॉल 14, जिसमें 3000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम होगा। अब चलते हैं मेन कन्वेंशन सेंटर में, दिस इज द गेट जहाँ से एंट्री होगी, एंड दिस इज द मेन कन्वेंशन सेंटर, उसके भी पास से जाके आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ मेन कन्वेंशन सेंटर बिल्डिंग के सामने, बहुत ही मैग्निफिशेंट लग रही है यहाँ से, एंड आई थिंक इसका जो डिजाइन है वो बहुत अच्छा है, एकदम स्पेसशिप जैसा लुक है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारा फिनिशिंग का काम हो गया है, फ्लावर्स भी लगा दीजिए, घास भी यहाँ पे बिछा दी गई है, स्प्रिंकलिंग का काम चल रहा है। तो आई थिंक इट लुक्स क्वाइट गुड। और यहाँ पे स्टेयर्स भी है, पूरी तरह से बन चुका है, अब सिर्फ इंटीरियर्स में काम चल रहा है। तो लेट्स सी ऊपर जाके देखते हैं कैसा है यहाँ का कंस्ट्रक्शन अपडेट। और यहीं पे होगा G20 का जो मेन हेड्स ऑफ स्टेट का मीटिंग है, यही होगी। दिस फ्लावर्स लुक क्वाइट गुड। पहले यहाँ पे बड़े बड़े पाम ट्रीज थे, उनको शायद हटा दिया गया बिकॉज वो क्लाइमेट के हिसाब से बैठ नहीं रहे थे, सूट नहीं कर रहे थे, बट अभी आप देख सकते हैं जो डेकोरेशन है यहाँ पे वो काफी अच्छी है। ये मौसम की तरह अकेला लग रहा है मुझे भाई, यूसुफ जैसा फिट होता तो भाई इसको सांस ना फूलती। एंड दिस इज द फाउंटेन एरिया, अभी चालू नहीं हुआ, काम चल रहा है यहाँ पे, फिट है। गार्डनिंग का भी काफी काम चल रहा है, और यहाँ से व्यू देखिए, जब पूरा बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा। तो इस प्रोजेक्ट को भी फास्ट ट्रैक पे डाला हुआ है, यहाँ पे काम चलता रहता है काफी तेजी से, बिकॉज मार्च तक इसको कंप्लीट करना है। Look at this. Beautiful. तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको पूरा प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स। वो थे एग्जीबिशन हॉल जहाँ पे बुक फेयर हो रहा है, दिस इज द वन एग्जीबिशन हॉल जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है सिविल का। ये एक साइड में एग्जीबिशन हॉल है 3000 कैपेसिटी, जहाँ पे ऑडिटोरियम है उस पर सिविल कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हो चुका है और इंटीरियर का काम चल रहा है। एंड दिस इज द कन्वेंशन सेंटर जो कि हाईलाइट है इस पूरे प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स का, जहाँ पे 7000 सीटिंग कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, और इस पर अभी आप फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी काम हो चुका है, जस्ट इंटीरियर्स में काफ़ी काम चल रहा है। अंदर से मैं आपको दिखा नहीं सकता, वहाँ जाना अलाउड नहीं है बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सेफ्टी प्रिकॉशन सारे लेने होते हैं। और ये है द वॉकवे, द स्टेयर्स जो जाती है इस कन्वेंशन सेंटर की ओर। तो ये था एक छोटा सा अपडेट प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स और उसके कंस्ट्रक्शन स्टेटस से लेके। आपको पसंद आया होगा, मैं चलता हूँ बाहर बुक फेयर की। अगर आपने वीडियो में देखी तो आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं, दिस इज द एंट्री एग्जिट पॉइंट। तो देखेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये वीडियो दिखाएंगे यहाँ पे आके ये कैसा लगता है नया प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड गुड बाय। मैं चलता हूँ वहाँ एग्जिट की ओर।
एरिया बहुत बड़ा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? चलें जी, वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। बहुत ही लंबी चौड़ी बिल्डिंग थी। ओए ओए, शुरुआत में बहुत लंबा चौड़ा एक बिल्डिंग है ना भाई साहब, उसको मध्य लगे कई बिल्डिंग है बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो इतना बड़ी G20 का समिट होने जा रहा है उसको भी तो देखो ना। वो तो एक हॉल में होगा, बाकी जो सारे जो माहौल बनाया गया वो बड़ा कमाल का था भाई। और एक तो बिल्डिंगें इतनी खुली थी वो तो लग रही थी, और वो जो कन्वेंशन हॉल जो बता रहे थे वो बड़ा खूबसूरत था। एग्जीबिशन 14 वो एक और था ना एग्जीबिशन के लिए, वो अलग से था। अच्छा। और जिसमें G20 की मीटिंग होनी है वो बड़े खूबसूरत है। एक तो बुलाई थी और ऊपर से जो भाई नीचे जो उसके पिलर दिए गए ना और दूसरी अंदर जाने का मौका भाई साहब को मिलता तो और एक्सप्लोर करते और जानकारी मिलती कैसी डिजाइन है, कैसी उसकी कैपेसिटी 60,000 के ऊपर है कैपेसिटी। बिल्कुल भाई, और वो भाई पीपल का चलो वो तो हाइट पे थे। एक वो चीज भाई समझ नहीं आई, एक नीचे था जो पहले शुरुआत में था, एक बिल्कुल सीढ़ियां सी बनी हुई थी नीचे नीचे मजीद नीचे नीचे चला जा रहा। वो कह रहे थे फंक्शन वगैरह कभी कभार रख ले तो सेटिंग के लिए, वो कह रहे थे। हाँ ये भाई बंदे सियाने हो गए, मुझे तो पता ही नहीं लगता ये क्या क्या हो रहा है। तो ये कल्चरल इसका मतलब रखा गया कि इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट से इधर जो है वो कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, इसमें ट्रेड भी होगा, सारा कुछ होगा। एग्जीबिशन इसी चीज की होगी ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फायदा सात मुख्तलिफ बिल्डिंग होंगी जिसके अंदर मतलब जो बाद में भी इस्तेमाल में आती रहेंगी। मैं तो समझ रहा था जिस तरह स्टेडियम टाइप लग रहा था जैसे वैसा ही हो। हाँ ये भी हो सकता है। तो बहुत बढ़िया लगा भाई साहब देख के, और जो मशीनरी भाई काम कर रहे थे वो हाइट भी काफी ज्यादा थी और इसमें बहुत ही ज्यादा लेंथ थी यार उस वो क्रेन जो थी। हाँ सही बात, बहुत ही ज्यादा एक वो चीज। और दूसरे नंबर जो सबसे अच्छी मुझे चीज लगी ना वो भाई साहब सेन उसका बड़ा खुला था कि वहां पे जो इतने ज्यादा घास और जो है वो पेड़ पौधे जो लगाए। अभी कंस्ट्रक्शन जारी थे तो उन्होंने पहले खूबसूरती के लिए ना प्लांट्स वगैरह लगा दिए। हाँ। लेकिन उनका मौसम भी है ना, मौसम अभी था। हाँ आजकल भाई मौसम भी है और ये वाली सी बात है। ये मेरे ख्याल में करंट वीडियो है, भाई साहब ने बड़ी जल्दी जल्दी बनाया और भाई ने मेहनत की है क्योंकि इस तरह की जगह जब जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पर भाई रिस्ट्रिक्शन लाजमी होती है, लोग जो है वो वीडियो नहीं बनाने देते तो कई मामला हो सकते हैं क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं अक्सर वो भी इस तरह की चीजों से डरते हैं। उस साइड पर जाने की इजाजत नहीं है, इतनी चीजें मतलब उठाना ले या कुछ नहीं उठाने या नहीं वो मतलब कान ना उनका कहीं से अगर कोई गलती या एक 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 जाने से एक को इजाजत मिल दे दिया तो वैसे और लोग भी बोलेंगे हमें भी जाने, तो वो ज्यादा रश पड़ जाता है, काम करने में थोड़ी सी तंगी पैदा होती है। और ये सारा एरिया बड़ी बड़ा रिच लग रहा था क्योंकि आसपास के एरिया में काफी ज्यादा बिल्डिंग थी, मतलब ये कि शहर के बीचों बीच ये जगह काफी महंगी जगह मांगी तो लेकिन काफी महंगी चौड़ी भी तो है ना। हाँ बहुत ज्यादा एक जगह महंगी ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा, मेरा ख्याल से तकरीबन 10-15 एकड़ के अंदर होगी, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो सकती है, हो सकता है इतना इससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि एरिया भी बहुत बड़ा था और बिल्डिंग कौन सी छोटी छोटी। हाँ बहुत बड़ी और उनके दरमियान जो है काफी जगह जो है वो खाली भी छोड़ी हुई है जगह, तो अच्छा लगा देख के। अच्छा मुझे पब्लिक दिखाई दे रही थी वो किस वजह से वहाँ पे नहीं, एक वो कह रहे थे ना पिछले इसी साल के पिछले साल एक का इफ्तिताह हो चुका है जिसमें मतलब कुछ ना कुछ तो उसके सिलसिले में ही पब्लिक आती है ना उसके लोग भाई देखने आती है जो कंट्री में नई नई चीजें बन रही लोग देखने आते हैं, हमारे बनती तो हम भी शायद इधर कौन सा भाई साहब आओ बंदों ने बैठना भाई साहब बाहर के कंट्री से जो आएंगे लोग उनका आने की जगह भाई साहब वो तो विजिट जरूर करेंगे। किस तरह की बनाई है इन बड़े बड़े
ऑफिसरों के लिए बड़े बड़े जो वो तो मीटिंग इधर होगी, बाकी तो निजाम जो है वो वैसे कंट्री के लिए इस्तेमाल होगी। तो उसका फायदा भी कंट्री के लिए बाद में भी इस्तेमाल कौन था, वो एक बार जी ट्वेंटी के लिए बना दे फिर उसको ताला लगा देना फिर कभी होगी तब वही तो बात है भाई साहब के बाद में भी तो इस्तेमाल करेंगे और वो भी बड़ी मीटिंग है। और ये मैं सोच रहा था कि भाई मीटिंग तो बहुत जल्दी है लेकिन अभी बहुत सारे काम रहते हैं, हो सकता है कि वो जिसके अंदर करवाना उसका वो काम तेजी से चल रहा है सिर्फ उसकी जरूरत है, बाद में आस्ते आस्ते ये तो दूसरा तो करते ही रहेंगे ना। काम जितना तेजी से कर सकते हैं रोड इतनी जल्दी बना देते हैं, ये तो बिल्डिंग और तेज थोड़ा सा काम करेंगे तो मंजिल खत्म हो जाएगी। और अभी काफी महीने 5-6 महीने पड़े हैं तो हो भी सकता है अभी लेबर सितंबर में कह रहे हैं ज्यादा लेबर लगा के भी काम खत्म किया जा सकता है। एक्सटर्नल तो उन्होंने कर दिया बड़ा मोटा हो ही रह चुका है। हाँ ज्यादा जो जब एक ढांचा खड़ा हो जाता तो उसके बाद जो है वो काम वो टायर पत्थर होता है जो वायरिंग बिजली की यही काम होता है मेन दरवाजे खिड़कियां वगैरह इस तरह के जो होते हैं। सो ठीक है नजर रखते हुए कुछ ना कुछ होता है। बड़ी खूबसूरत थी बिल्डिंग भाई, अच्छा लगा देख के। और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।